आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ व्हाट इज टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट, बिकॉज म्यूजिक प्रोडक्शन में टेम्पलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक ट्रैक शीट होता है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रैक होते हैं, सिंगर होता है, रिदम होता है, फ्लूट होता है, गिटार होता है। सो हर एक सॉन्ग में आपको वही चीज़ें करनी है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, यू जस्ट मेक वन टेम्पलेट दैट यू कैन यूज इन एवरी प्रोजेक्ट। सो ये क्यूबेज हो या न्यूएंडो हो, सब में सेम प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे क्यूबेज ओपन करता हूँ। और उसके पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, लाइक सैकेटी वन में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर। उसमें नेम दे देते लेट्स डू टेम्पलेट। सैकेटी वन में कहाँ पे आपने फोल्डर बनाया है वो आपको याद रखने का है। अब हम क्यूबेस को ओपन करेंगे फाइल में जाके, न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट एम्प्टी। ओके, अब मुझे जाना है कहाँ पे आपको ओपन करना है। तो सैकेटी वन में हमने किया था लेट्स डू TEMP, उसको हम ओपन करें। अभी आपको सेव नहीं करना है, अभी हमको बनाना है टेम्पलेट। सो पहले एक फोल्डर बनाया क्रिएट एम्प्टी करके, वहाँ जाके हमने ओपन किया, तो वो फोल्डर के थ्रू ये सब होगा। सो नाउ यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है वहाँ मैं एड ऑडियो ट्रैक कर देता हूँ। लेट्स डू 10, मैंने मोनो ट्रैक दे दिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, साउंड कार्ड है आपका, तो साउंड कार्ड में दो इनपुट है, लेफ्ट एंड राइट, मोनो इनपुट। तो आपको अगर माइक्रोफोन से वॉइस रिकॉर्ड करना है तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरा एपोजी का साउंड कार्ड है, इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव साउंड कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट साउंड कार्ड। सो फर्स्ट चैनल में मैंने माइक्रोफोन यहाँ से सिलेक्ट किया है, राइट, माइक्रोफोन है इंस्ट्रूमेंट माइक। सेकंड में मैंने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया है और हम F4 दबाएंगे, तो यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट है। इनपुट में मैंने एड बस करके दो मोनो इन दे दिया है, स्टीरियो इन नहीं है। अगर आपको स्टीरियो इन है तो आपको लेफ्ट राइट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोनो इन है तो आपको माइक 1 एंड माइक 2। सो मोनो इन में माइक 1 है, वहाँ पे हमने लिया है माइक्रोफोन, और मोनो इन 2 है वहाँ पे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। आपको याद रखना है कि कौन से इनपुट में आपने क्या डाला है, माइक्रोफोन या इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ मैं फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ, जैसे हम लिखते हैं सिंगर। सिंगर के लिए मुझे माइक्रोफोन लेना है, सो मैं लूँगा माइक इनपुट, मोनो इन 1। सो यहाँ जाके मोनो इन सिलेक्ट किया। अब यहाँ मैं अगर गिटार लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मोनो इन 2 सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 में लाइन इनपुट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ गिटार। ओके, अगर आपको लेफ्ट राइट पैनिंग करना है, दो बार बजाना है, तो मैं क्या करूँगा, दो गिटार लिखूँगा। ये आपको हर वक्त करना नहीं पड़े, इसलिए आपको लिख के रखना है, GUITAR, गिटार राइट, और इसमें है गिटार लेफ्ट। अब ये चैनल को आपको यहाँ से, ये C लिखा है पैनिंग, यहाँ से आपको लेफ्ट करना है, यहाँ से आपको राइट करना है। सो आपका ये दो चैनल हो गया लेफ्ट राइट, ये आपका सिंगर हो गया। उसके मुताबिक जो भी आप रिकॉर्ड करने वाले हो उसके मुताबिक आप, कीक है, स्नेर है, फ्लूट है, वायलिन है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसके मुताबिक आपको ट्रैक बना के रेडी रखना है।
ताकि हर वक्त आप हर एक सॉन्ग में ये चीज खोल सके। आपको अगर सिंगर में इफेक्ट पहले से डाल के रखना हो तो आप ई में जाओ, यहां से आप डाल सकते हो रिवर्ब, रिवर्ब में कोई भी एच रिवर्ब डालना है तो एच रिवर्ब जो भी आपको डालना है, सो ये आपका ओपन हो गया। तो हर वक्त आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब हम टेम्पलेट कैसे सेव करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां हमने सेव किया है, फाइल में जाएंगे हम लोग, सेव एज टेम्पलेट, राइट। हम यहां पे बनाएंगे न्यू फोल्डर, उसमें पे बनाऊंगा ए एस एच आशीष टी एम पी टेम्पलेट, ये आशीष टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट कैटेगरी यहां भी मैं लिखूंगा ए एस एच टी एम पी, सो ये हमारा हो गया टेम्पलेट का सेव। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये कहाँ पे सेव हुआ है, सेव करना है हमको, तो मैंने किया था सेगेटी वन में। सेगेटी वन में हमने नेम दिया था लेट्स डू टेम्पलेट, ओके, और सी पी आर फाइल का नाम हम देंगे लेट्स डू टेम्पलेट। सो यहाँ पे आपको कहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क के यहाँ से सिलेक्ट करना है, हार्ड डिस्क में कौन सा फोल्डर बनाया था वो सिलेक्ट करना है, और सेव एज सी पी आर, उसकी जो डॉट सी पी आर है, न्यू एंड डॉट एन पी आर बनेगी, उसमें आपको सेव करना है। सेव, ये सेव होगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब अगर मैंने कल दूसरा कोई गाना लिया, अब मुझे वो रिकॉर्ड करना है, तो हम कैसे खोलेंगे? एक नया फोल्डर बनाते हैं और डेस्कटॉप पर ही बना देता हूँ मैं, उसका मैं रीनेम दे देता हूँ कोई भी गाना का, जैसे मोबाइल मोबाइल सॉन्ग, ये यहाँ पे हमको सेव करना है। अब मैं क्या करूँगा, क्यूबेस वापस खोलूँगा, फाइल ओपन, न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट में जैसे आप ये जो एक फोल्डर ओपन होता है न्यू प्रोजेक्ट का, वहां ऑलरेडी ये आ गया है आशीष टेम्पलेट, मैं इसको क्रिएट करता हूं। लेट्स डू टेम्पलेट ओपन, ये पूरा खुल गया। तो ऐसे हम टेम्पलेट को ओपन करेंगे। अब ये टेम्पलेट खुला है, बट आज हम दूसरा गाना कर रहे हैं, सो हमको क्या करना है, नेम था मोबाइल सॉन्ग, सो यहां से मैं उसको सेव करूंगा, सेव एज, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप में हमने नाम रखा था मोबाइल सॉन्ग, राइट, इसको मैंने ओपन किया, सी पी आर का भी नाम दे देते हैं सेम, एम ओ बी आई एल ई मोबाइल सॉन्ग, इसको हमने सेव कर दिया। सो सेम चीज ये ओपन हो गई, ये रहा मोबाइल सॉन्ग, यहाँ पे मेरा सी पी आर ओपन, तो आपके पास सिंगर आ गया, गिटार लेफ्ट राइट आ गया, साउंड का जो इनपुट आउटपुट देने का है वो भी आ गया, आपने अगर इफेक्ट डालिए तो वो भी ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो यू डोंट हैव टू डू दिस प्रोसेस इन एवरी सॉन्ग, एक ही बार में हम करके रखेंगे तो सब गाने में ये सेट हो जाएगा। सो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट। तो ये आपका जो टेम्पलेट हुआ वो एक तो क्यूबेस ने खुद सेव किया, जहां पे आप क्रिएट एम्प्टी करते हैं वहां पे टेम्पलेट आ जाता है आपका। दूसरा हमने सेव किया था सेगेटी वन में किया था, वहां पर भी आ गया, सो यहां पर तो सेव रहता ही है, टेम्पलेट करके टीटीटी करके किया था हमने, तो यहां पर तो सेव रहता ही है। प्लस जब आप क्यूबेस खोलते हो, फिर से मैं दिखा देता हूं, क्यूबेस मैंने ओपन किया, फाइल न्यू प्रोजेक्ट,
तो ये हुआ, तो यहाँ पर भी मेरा आशीष टेम्पलेट आ गया। तो इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्रिएट दबाना है एंड ओपन करना है। सो पूरा वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद वापस क्या करना है आपको, जो गाना नया बना रहे हो उसका एक फोल्डर कहीं पर भी आपने सेव किया है वहाँ जाके उसका नेम सिलेक्ट कर देने का, यहाँ से फाइल में जाके सेव एस करने का। पहली बार जब आप करते हो तब सेव एस करने का। उसके बाद जो भी आप एडिटिंग करते हो बाद में सेव एस नहीं करने का, एक बार सेव एस करके फोल्डर दे दिया, बात खत्म। उसके बाद आपको सीधा सेव करते रहने का। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे दूसरे भी प्लेलिस्ट है वो आप देखना, वहाँ पे मैंने गिटार कवर सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट है, गिटार लेसन का प्लेलिस्ट है, एक अलग प्लेलिस्ट अपना क्यूबेस का है, हाउ टू डू म्यूजिक प्रोडक्शन, और लाइव स्ट्रीम का भी एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे हर वक्त मैं अलग अलग स्केल में गाना लेता हूँ और थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सो म्यूजिक करते रहिए, रिकॉर्डिंग करते रहिए, सीखते रहिए और लोगों को बताते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।